अस्सलाम हेलो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हो आपको भाई? हाँ अलहमदुल्ला। मैं क्या बोल रहा था भाई, असल में क्या है कि अभी मेरे घर में मेरे को तालीम शुरू करना है, ठीक है? तो ये जो आला हजरत की किताब है कंजुल इमान, इसमें जो उन्होंने तर्जुमा किया, क्या सब सही है? नहीं सब नहीं सही है, थोड़ा बहुत मतलब गलत भी है। अभी दूसरी बात यह है कि मेरे घर वाले उससे ही मानेंगे कि हम आला हजरत कहीं पढ़ेंगे, इतना हाँ तो मानना तर्जुमा है है, पढ़ना है अल्हम्दुलिल्ला। पढ़ने दीजिए, क्या दिक्कत है। बस ये है थोड़ा एहतियात से आप पढ़िएगा, जहाँ पे नहीं बच गए भाई वहाँ समझा दीजिएगा। बात सही है, लेकिन ऐसा है कि वो लोग इतना तो मान गए कि हाँ ठीक है तहकीक करेंगे, पहले तो वो लोग ये भी नहीं मानते थे, जो हम लोग किए वो करना पड़ेगा। तो अभी तो हमारे घर वाले ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने इतना माना कि हाँ तहकीक करो ठीक है, लेकिन तर्जुमा आला हजरत का ही चेंगे कुरान में। लेकिन उसमें अभी मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखा, इसमें ऐसा है जैसे कि गैब वाला एक वीडियो था, आप उसमें बता रहे थे कि गैब बताने वाले नबी, हालांकि आपने बताया कि उसमें वर्ड ही नहीं मौजूद है वो। जी हाँ, तो फिर इसको किस तरह मैं बयान करूंगा? जो तर्जुमा होगा वो तो उनको तो वो लोग मानेंगे ही। अभी आप एक काम कीजिए, आपका नाम क्या है भाई? अब्दुल रहीम खान, पहले बात किया था ना आपसे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ भाई, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ एक एकदम आसान रास्ता, ठीक है। जो कंजुल ईमान है, आला जैसा का जो तर्जुमा है, वो अगर आपके फैमिली वाले कह रहे हैं कि नहीं हम उसी को पढ़ेंगे, ठीक है अभी उनको पढ़ने दीजिए, ठीक है। अभी मैं अगले महीने से मैं जो ये कंजुल ईमान है उसके अंदर जो चूक हो गई है उनसे तर्जुमा करने में, ठीक है, उसके ऊपर इंशाल्लाह पूरा जो एक अपना कोर्स है उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं वो हर एक आयत के छोटे छोटे वीडियो अपना बना के उसको अपलोड करूंगा, तो उससे समझ में आपके आ जाएगा कि कहाँ पे धांधली हुई है, कहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। हाँ तो भाई, वही वीडियो आप या तो अपने भाई अम्मी अब्बू के सामने भाई ओपन कर दीजिएगा, या तो आप खुद उसको देख के समझ के अपने माँ बाप को समझा दीजिएगा, क्योंकि कोई एक आयत भाई नहीं है, ठीक है। काफी सारी मेरे भाई आयतें ऐसी हैं जिनमें तहरीफ हुई है। तहरीफ हुई, लेकिन वो अकीदे के ऊपर कोई आया था क्या? जैसे जिससे अकीदा इंसान खराब होता है, इसकी भी कोई आया था? हाँ है ना भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सूरह फतेह की आयत नंबर 2 है, उससे तो लोगों का कीदा ही मतलब भाई वो बेकार हो गया ना। अब अल्लाह सुबहानो ताला सूरह फतेह की आयत नंबर 1 में कहता है कि बेशक ए नबी हमने आपको खुली हुई फतेह अता की, और आयत नंबर 2 में कहता है ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले जम को माफ कर दे, यानी कि कोताहियों को, गलतियों को, गुनाहों को माफ कर दे, ठीक है। अब ये था एक्चुअल आयत थी कुरान की, लेकिन आला हजरत ने अपनी अकल से उसमें तारीफ कर दी कि अरे यार नबी कहाँ मतलब होते हैं गुनाहगार, तो हो सकता है माज अल्लाह अल्लाह ताला से चूक हो गई हो, तो लाओ उसको हम ठीक कर दें। तो उन्होंने तर्जुमा उसका किया कि बेशक ए नबी हमने आपको खुली हुई रोशन फतेह अता की। अब दूसरी आयत के तर्जुमे में तहरीफ कर दी ताकि अल्लाह आप के अगलों और पिछलों के जम को माफ कर दे, गुनाहों को माफ कर दे। यानी कि जो आयत खास करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफा था, बशारत थी, उसको अल्लाह के नबी से हटा के आपके अगलों और पिछलों पर उन्होंने मेरे भाई चिपका दी। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा था कि यार नबी तो मतलब भाई वो गुनाहगार नहीं है, गुनाह कैसे कर सकते हैं, लेकिन उनके एक्चुअल में समझ में नहीं आया। अल्लाह ताला ये कह, अब जैसे मान लिया भाई हम है, मेरा बेटा है, मैं उससे कहूँ कि बेटा तेरे लिए 100 खून माफ है, तो इसका माना क्या है? ये एक मोहब्बत का इजहार है कि मैं अपने बेटे से इतना प्यार करता हूँ कि उससे मैं कह रहा हूँ बेटा तुम्हारे लिए 100 खून माफ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बेटा है जो मतलब भाई वो कातिल है ना। इसी तरीके से जब अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने आपके अगले पिछले जम माफ कर दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माज अल्लाह अल्लाह के नबी ने कोई चोरी छुपे पहले मतलब कोई उल्टे सीधे काम किए होंगे, गुनाह किए होंगे। ये एक अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है कि ए नबी हमने आपके अगले पिछले सब जम माफ कर दिए। तो ये तो एक मतलब भाई तोहफा है ना, बशारत है ना। अब उसको चेंज करके कह दिया कि नहीं अल्लाह आपके अगले और आपके पिछलों के जम माफ कर दे उम्मत के, तो ये तो गलत है ना।
वो तो बिना तौबा के नहीं होता भाई। तो अब ये इससे क्या होगा, लोगों का जो अकीदा है हो सकता है बजदन हो जाए। हालांकि अगर आप किसी से पूछेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मासूम थे, तो इसकी दलील क्या है, तो इसकी दलील ही थी ये सूरह फतेह की आयत नंबर 2। इसी दलील की मतलब जो आयत है इसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मासूम है। क्यों? अब वो कहेगा हाँ मतलब कहाँ से मासूम है बताइए, तो उससे हम कहेंगे नहीं कि देखो अल्लाह ताला वो खुद कह रहा है सूरह फतेह की आयत नंबर 2 में कि हमने ए नबी आपके अगले पिछले तमाम जम को माफ कर दिए, तो बस अल्लाह के नबी मासूम हो गए। तो ये मासूम होने की दलील है। अब जो मासूम होने की दलील थी उसमें छेड़छाड़ कर दी गई। और इस आयत के खिलाफ तो जो बरेलवी मसलक के जो हक मतलब जो भाई वो हक पसंद आलिमे दीन थे उन्होंने भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया। तो मतलब जो बरेलवी टोला था उन्होंने उनके खिलाफ बकायदा मोटी मोटी किताबें उतार दी कि इनकी आला हजरत का तर्जुमा समझ में नहीं आया, आला हजरत की जो हक्कानियत है वो ये समझ नहीं पाए, ये है वो है फला है ना पाए। दूसरी बात ये थी भाई कि देखो अभी एक मैंने वीडियो देखा, उनका नाम नहीं मेरे को याद आ रहा है, उन्होंने क्या जलालुद्दीन कासमी साहब का एक वीडियो डाला कि जलालुद्दीन कासमी साहब ने बोला कि यहाँ मैं एक हदीस पढ़ता हूँ जिससे तमाम बरेली अकीदे का रद्द हो, ठीक है। तो उसमें उन्होंने फरमाया कि एक शख्स का इंतकाल हो गया तो सहाबी ने आपसे वसलम को आके बताया कि फला फला आदमी इंतकाल कर गया, हमने का इनकार हो गया और हर जगह हाजिर और नाजिर का इनकार हो गया जी। तो फिर तो उन्होंने क्या बोला उसमें, वो जो वीडियो बना रहे थे तो वो क्या बोले कि इससे ये मतलब नहीं होता कि हाजिर और नाजिर नहीं है, इससे वो अल्लाह के ऊपर बांध दिए, मतलब अल्लाह भी तो कयामत के दिन खड़ा करेगा, सवाल पूछेगा तूने क्या किया, इसका मतलब अल्लाह को नहीं मानते ना अल्लाह ताला भाई वो हाजिर नाजिर है हर जगह, हम ये मानते क्या नहीं। इल्म गैब का बोल रहे हो जैसे कि आप उस हदीस से क्या साबित हो रहा है कि अल्लाह के नबी को नहीं पता था, हम समझ रहे हैं ये लोग माशाल्लाह ये अल्लाह ताला की शान में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। हाँ भाई जैसे फारूक खान लैपटॉप बाबा है उनको उन्होंने एक तकरीर में कहा कि हमारी दरगाह मजार आस्थाने पे तूफान आ गया, ठीक है, तो हमारे बाबा उसको क्यों नहीं बचा पाए, तो काबे में भी तो सैलाब आया तो अल्लाह ने क्यों नहीं उसको बचा लिया माजल्ला। देखा मैंने, लेकिन इसका क्या जवाब देने का सर, जब इसका जवाब ये है कि भाई जो सैलाब आ रहा है तूफान आ रहा है ये अपनी मर्जी से नहीं आ रहा है, ये तो अल्लाह की मर्जी से आ रहा है ना, तो अल्लाह जब अपनी मर्जी से भेज रहा है तो वो काहे के लिए रुकेगा। नहीं नहीं इसका नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो उसने वीडियो बनाया था उसका क्या है? उस वीडियो का जवाब भाई ये है कि देखिए जैसे हम लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर इल्मे गैब होता तो बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कौम के लोग आते हैं, वो कहते हैं हमको दीन सीखना है, तो हमारे प्यारे नबी जो 70 कारी होते हैं हाफिज कुरान होते हैं उनको उनके साथ भेज देते हैं, ठीक है, और वो उनको धोखे से मार देते हैं, ठीक है। तो अब हम ये कहते हैं उनसे कि भाई अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब था तो अल्लाह के नबी ने काहे के लिए मरने के लिए छोड़ दिया 70 कारियों को, तो वो मेरे भाई इल्जाम में माशाल्लाह उल्टा बोल देते हैं, कहते हैं अल्लाह को भी तो इल्मे गैब है तो अल्लाह ने क्यों नहीं 70 कारियों को बचा लिया। यही यही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो इसका तो हदीस के पूरे अल्फाज है वो इनके बाप दादाओं ने भी एक्चुअल में खोल के तो देखी नहीं हदीस के उसमें अल्फाज क्या है। उसमें एक सहाबी होते हैं वो ये कहते हैं दुआ करते हैं जब उनको मारा जा रहा होता है शहीद किया जा रहा होता है तो वो ये कहते हैं कि ए अल्लाह हमारे हाल की खबर हमारे नबी तक पहुंचा दे, ये हदीस के अल्फाज हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो उनके साथ हुआ उसकी जो मेरे भाई जो खबर होती है इत्तला होती है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही के जरिए पहुंचाते हैं, तब नबी को पता चलता है कि मेरे जो मतलब जो 70 कारी थे उनके साथ धोखा हुआ, तो अल्लाह के नबी इतना गमगीन हो जाते हैं कि 40 दिन तक उनके लिए कुनूते नाजिला में उनके लिए बद्दुआ करते हैं। तो अब बताइए नबी को इल्मे गैब, अरे फॉर एग्जांपल आप सबको हटाइए, मेरे को इल्मे गैब है, ठीक है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और मेरे को ये पता है कि मेरी अम्मी जान 2 दिन बाद अगर इस रास्ते से जाएंगी तो उनका हो जाएगा एक्सीडेंट, तो मुझे इल्मे गैब है तो मैं अपनी माँ को पहले रोक लूंगा ना कि नहीं अभी वहां से ना जाना, मुझे ये पक्का पता है कि आप वहां जाओगी तो आपके साथ
हो जाएगा हादसा तो मैं उनको रोक लूंगा, लेकिन हमको नहीं पता है क्योंकि हमको इल्मे गैब नहीं है। उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब भाई वो नहीं था, गैब की जो इत्तला थी, खबर थी, जो अल्लाह ताला देना चाहता था वो था। बराबर भाई, ठीक है भाई, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह इंतजार कीजिए, ठीक है। आला हजरत का जो तर्जुमा है कुरान का, कंजुल ईमान, उसके ऊपर बकायदा पूरी अलहमदुल्ला भाई वो कोर्स आएगा, वीडियो का पूरी सीरीज अपलोड होगी, और बकायदा मेरे भाई हदीस के हवालों के साथ कि कहाँ कहाँ पे उनसे चूक हो गई, तारीफ हो गई, गलती हो गई, अब उन्होंने जानबूझ के किया है तो अल्लाह उनको अपना हिसाब लेगा, और अगर उनसे अनजाने में मेरे भाई चूक हो गई है तो अल्लाह उनको माफ भी करेगा। हम उनकी जातियात पे हमला हम नहीं करेंगे, हम तो उनसे इल्मी जो चूक हो गई है हम उसको क्या कह रहे हैं, चूक कह रहे हैं। अगर हमें तौहीन करना होता तो हम ये कहते रहे वो आला हजरत अहमद रजा खान वो तो बेवकूफ बना के चला गया, कुरान पे झूठ बोल के चला गया। नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हो सकता है उनसे चूक हो गई हो भाई, बड़े बड़े आलिमों से चूक हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं, तो वो भी एक इंसान थे, अपने दौर के एक आलिम थे, हो सकता है उनसे मेरे भाई चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, अब अनजाने में किया है तो अल्लाह माफ करेगा, जान बूझिए उन्होंने मतलब भाई इस तरीके से किया है तो भाई उसका अल्लाह उनसे अपना लेगा बदला। बाकी जो तर्जुमा है ओवरऑल मेरे भाई सही है, ठीक है, ये समझ लीजिए 100 में मेरे भाई 10% बस थोड़ी बहुत चूक हुई है, बाकी 90% तो सही है। ठीक है, तो फिर मैं वही चालू करने आ रहा, असल में क्या है भाई कि अभी आ गया मेरी शादी का मसला, तो मैंने घर पे साफ साफ बोल दिया भाई कि देखो कैसा है कि मैं बरेलवी या दोबंदी फिरके से शादी से नहीं करूंगा, मैंने साफ साफ मना कर दिया उन लोगों। मैं बोला क्योंकि उन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं रहेगा और मैं बेसिक सिखाते सिखाते मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी तो फिर मतलब नहीं है। तो मैंने साफ साफ बोल दिया कि मेरे को आइडिया जैसी घर की लड़की चाहिए, तो उसमें ये सब मसला खड़ा हो। तो मैं बोला अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग ठीक है, फिर कुरान और हदीस पढ़िए, अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो फिर ठीक है, मैं बरेलवी बन जाता हूँ, लेकिन आप अगर गलत साबित देखिए बरेलवी लड़की से शादी या देवबंदी लड़की से शादी तब कीजिएगा जब आपकी पूरी फैमिली अलहमदुल्ला भाई किताबो सुन्नत पे आ जाए। हाँ, पूरी फैमिली नहीं आएगी और आप किसी मान लो बरेली से कर लोगे और सोचोगे इतना कर लेंगे तो फिर वो आपके फैमिली वालों के सपोर्ट में अगर आ जाएगी तो आप फिर एकदम अकेले पड़ जाओगे। हाँ यही बात है भाई, तो मैं वही समझा, तो मेरे घर वाले इस बात पे राजी हो गए कि हाँ ठीक है आप लोग मुझे मतलब हम लोग सब पढ़ेंगे मिलके देखेंगे जो सही है वो करेंगे। उन लोगों को मैं बोला वही बोला, बोला जो सही रहेगा वो करेंगे, मैं आप लोग को ये नहीं बोलूंगा। बहुत अच्छी बात है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उन सबको हिदायत दे, उनके सामने जो हक बात है उसको अल्हम्दुलिल्लाह वाजे कर दे, और सच्ची वाकई बता रहे हैं सच्ची नियत से अगर वो पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी आंखें खोल देगा, लेकिन वो खाली आपको दिखाने के लिए या आपको गलत साबित करने के लिए पढ़ेंगे तो फिर अल्लाह हिदायत नहीं। ठीक है, जो भी मसला रहेगा सुनिए ना भाई, किसी आलिम का नंबर मिल सकता है क्या? आलिम का नंबर है IRC जो है कॉल सेंटर, वहाँ पे एक आलिम दिन बैठते हैं, वहाँ पे अगर आपका कोई भी दिनी मेरे भाई मसला मसाइल हो आप सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक वहाँ पे कॉल करके अपना जो भी मसला है उसको पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भैया, ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई।